हेलो गाइस, तो नेटफ्लिक्स पर एक और तगड़ा माल आ चुका है जो फायर लगाने को रेडी है। पिछली एक्सट्रैक्शन तो धमाकेदार थी, पर ये उससे भी खतरनाक है। स्टोरी सेम है, पर मामला पिछली बार से भी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि इस बार मामला थोड़ा पर्सनल है, क्योंकि जिस फैमिली को बचाना है वो टाइलर की बीवी की बहन की है। साली का चक्कर भाई साहब, ये मूवी 20 मिनट के बाद से ही अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है। एक बार जो इसमें एक्शन शुरू हो जाता है तो ये मूवी आपको अपनी जगह से उठने का मौका नहीं देती। मतलब ये समझ लो कि आपने पलके भी झपका ली तो आपको रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। और रही बात सीन्स की, तो कौन से सीन्स इसमें नहीं है यार, हर तरह के फाइट सीन्स आपको इसमें मिलेंगे। हैंड टू हैंड कॉम्बैट से लेकर गन फाइट तक सब भरा हुआ है इसमें। और इतना ही नहीं, कार में फाइट है, ट्रेन में फाइट है और हेलीकॉप्टर में भी फाइट है। समझ रहे हो, हालात हद से ज्यादा टाइट हो रखे हैं इस मूवी में। मतलब यार, ये बंदा टाइलर हर तरह की सिचुएशन झेल जाता है, सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे आगे एक बंदा हो चाहे 100, ये बंदा नहीं डरता। चाहे 20वीं मंजिल से कूदना हो या आपकी लपटों से निकलना हो, ग्रेनेड से बचना हो या बुलेट से, इस बंदे की नहीं फटती। ये बंदा डरता ही नहीं है यार। इस मूवी को देखकर आप खुद बोलोगे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और जब आप भी इस मूवी को देखोगे तो आप भी यही सोचोगे कि यार बस ये मूवी चलती जाए, कभी खत्म ना हो, ऐसा एक्शन है इसमें। और स्टोरी आपको पता ही है कि पिछली मूवी में बुरी तरह घायल होने के बाद ये बंदा बड़ी मुश्किल से बचा है। टूटे हाथ और टूटे पैर के बाद भी इस बंदे ने गिव अप नहीं किया, अगला डेडली मिशन झट से ले लिया। पता है किस लिए? साली का चक्कर। अब इससे ज्यादा बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि एक्शन, VFX और स्क्रिप्ट राइटिंग लाजवाब है। और कसम से, अगर आप बवाल एक्शन के फैन हो तो इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। मूवी में कुछ नेगेटिव नहीं है सिवाय एक पॉइंट के। इसमें कुछ इमोशनल सीन्स है, पर आप ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते कैरेक्टर से, तो अगर वो मर भी जाए तो आपको ज्यादा दुख नहीं होता। मूवी में अडल्ट सीन्स तो नहीं है, पर वायलेंस है, तो अब आप देख लो इसको फैमिली के साथ देखना है या नहीं। बाकी यार, इतना अच्छा एक्शन मिल रहा है तो इसमें कमियां क्या निकाल ली। मेरी तरफ से तो इस मूवी को 10 में से 8 की रेटिंग है। तो गाइस, जिसने अब तक मूवी नहीं देखी वो जाकर जरूर देखो, मूवी बवाल है। और जिसने मूवी देख लिया वो रेटिंग्स दो यार कमेंट में। सो गाइस, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखो। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।